और साइड में खाई बस इतना सा जगह बसता है। थैंक यू उमाशंकर जी, थैंक यू। हाँ हाँ, आगे हम बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, जब आपके गांव में कोई औरत के बच्चा होने वाला होता तो उसको हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाता? बांग्लादेश, हम लोग नजदीक में है, इसलिए हम बांग्लादेश पे लेके जा रहा हूँ। ये वाला था इंडिया, दिस वन इज बांग्लादेश। और ये वाले जंगल जितने शांत दिख रहे हैं, आज से सिर्फ 4 साल पहले तक यहाँ पे चप्पे चप्पे पे होते थे मिलिटेंट्स, एंड कैप्टन पप्पू कुमार यादव वो लेड देयर लाइफ व्हाइल फाइटिंग मिलिटेंट्स। अब बांग्लादेश से हो ना, यहाँ पे ऐसे दिल्ली आना जाता ना लगा रहता है, इतना आसान है यहाँ पे बॉर्डर टपना, और जिंदगी है यहाँ पे इतनी मुश्किल। अब कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, बॉर्डर का इलाका है तो पहले BSF वालों के पास ही चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सुबह सुबह उठते ही अपने को मिल गया एक धमाका न्यूज़, अपने कमरे के ऊपर एक बांग्लादेश से भाई आए हुए हैं, आ जाओ मिलवाता हूँ आपको भी। कैसे बोलते हैं आपके बांग्ला में? के बार आछोन, केमन आछेन, केमन आछेन दादा। अब बांग्लादेश से हो ना, यहाँ पे ऐसे दिल्ली आना जाता ना लगा रहता है, सब्जी आने देगा सब्जी। ओके, और आप यहाँ से क्या 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 लेके जाओगे? কি নিয়ে যান এখান থেকে? ও এখান থেকে নিব কলা নেই, কাঁঠাল নেই, কাঁঠাল কাঁঠাল। ওকে ওকে, কলা, লাকড়ি, লাকড়ি ইয়ে সব লেখে যেতে হয়। ইয়ে ফির উদার মার্কেট মে বেচেগা, নিয়ে যা বেসপেন নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো ইয়ে আপকে উদার নেই লাগতা, বাংলাদেশ মে নেই লাগতা কাঁঠাল জ্যাকফ্রুট? মানে কাল নাই নাই লাগতা, সব কাল মরে যায়গা, পানি আ যায়, বারিশ হোনে সে মর জাতা হ্যায় না। ইয়াহ পে আপকো কোই কুছ নেই বলতা গাঁও মে? ग्रामर कहीं किसी बोले ना, ना हम किसी बोलना दोस्त होता। मतलब इधर में ऐसा होता है ना, इधर का आदमी लोग का कोई चीज अगर जरूरत हो इसके पास से बुलाता है, लेके आओ, दवाई या नहीं देगा, हमरा औषधि नहीं देगा, कोई मछली, कोई दवाई, कोई जो भी चीज। ओके ओके, ये एजेंट का काम करता है मतलब, हां इसी का सिलसिला में इन लोग कोऑपरेटिव होके रहता है, दोस्ती बनाए रखना पड़ता है। तो देख लीजिए यार, बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो काफी वीक है, तो बांग्लादेश वाले यहाँ पे आते रहते हैं और गांव वालों के साथ में भी अच्छे कनेक्शन है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है इनको। यहाँ से आते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं, फिर बांग्लादेश में जाके बेचते हैं, है ना। क्या नाम दादा? मोहम्मद अबू हनीफ है। मोहम्मद अबू हनीफ, अबू हनीफ पुलकित। तो दोपहर का टाइम हो रहा है अभी 3, और अभी निकल रहा हूँ मैं। मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा है, दिन शुरू मेरा 3-4 बजे होता है शाम को, और ये क्रॉसिंग के लिए बनी हुई है एक छोटा सा ब्रिज। हेलो, ये टूट तो नहीं जाएगा? जाऊं पक्का? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हिल रहा है मगर इस बैग के साथ में दिक्कत हो रहा है, हो गया पार बिना भीगे हुए। हेडमैन सर कहाँ पे हैं? हेडमैन, हेडमैन देखा नहीं, और गांव में नॉर्मली बाथरूम वगैरह बने हुए नहीं है, ऐसे ही नहाते हैं सब कुछ। जंगल में गया, जंगल में गया। ओके, आपके बाथरूम नहीं बने होते, ऐसे खुले में नहाते हो? हाँ। अच्छा है, वेयर इज द हेडमैन? नहीं है। और तुम लोग क्या करता? काम करता है, काम करता है। कब बड़ा मेहनती है तुम तो, और तुम नहीं करता काम? हाँ नंगनी भी मूंग बिमुंग माई, हाँ नंगनी बिमुंग माई, आंग्या। ओके बाय बाय, हैंडशेक, फिर मिलेंगे। ये सब कुछ आपको जो एरिया दिख रहा है ये पूरा हेडमैन का ये एरिया है। हेडमैन काफी अमीर आदमी है गांव का, ये मेरे को मास्टर जी ने बताया, काफी बागान है उनके, मगर यहाँ पे लोग शो ऑफ नहीं करते इतना, नॉर्मल जैसे ही बाकी गांव वाले रहते हैं वैसे ही हेडमैन। और ये वाला हेडमैन साहब का सुअर, क्या पता इसका कब नंबर आ जाए। कल मैंने शायद इसका बच्चा खाया होगा। यार क्या क्या खाना सीख गया मैं मेघालय में आने के बाद, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, खाना पड़ता है, जाओगे कहाँ? अगर आप चिकन नहीं खाओगे, मछली नहीं खाओगे, सुअर नहीं खाओगे, केकड़ा नहीं खाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, अकेला चावल खाना है तो आपको खा सकते हो। तो अपना आज का सफ़र है यहाँ से लेके बगली तक का, 15 किलोमीटर ही होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी से पूछेंगे तो पता चलेगा। और वापस एंटर कर चुका हूँ मैं बांग्लादेश के कॉरिडोर के अंदर। ये वाला था इंडिया,
दिस वन इज बांग्लादेश। नहीं ये बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश के लिए ये जो सामने गाय दिख रहा है आपको, इसके थोड़ा सा पीछे पिलर बना हुआ है, उधर से बांग्लादेश शुरू। कोई बगली जाएगा आप में से? बगली तो नहीं जाएगा रे। कोई नहीं जाता। बगली कितना दूर होता? जैसा होगा किलोमीटर 15। ओके, कोई गाड़ी मिल सकता है या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैदल जाना पड़ेगा। ओके, बाइक को रिजर्व करना पड़ेगा। अच्छा बाइक किराए पे लेके? हाँ ना ना, पैदल ही चला जाएगा हम। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, रात हो जाएगा, जंगल में टेंट लगा लेंगे। और लिफ्ट मिलने का चांस काफ़ी कम है क्योंकि सुनी रोड है, यहाँ पे इतने साधन चलते नहीं। ज़्यादातर साधन किसके चलते हैं? आर्मी वालों के लिए, पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं वो लोग तभी। ये वाला है भाई साहब इस गांव का स्कूल, जिसके अंदर होंगे 2-3 कमरे, और स्कूल भी 8वीं तक का है। और लगभग बच्चे तो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं 80-90%, और जो नहीं छोड़ते या तो 8वीं से 10वीं के बीच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का तो शादी हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, लड़के को जाना पड़ता है लड़की के घर, वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी करेगा और कुछ करेगा वो तो। क्योंकि यहाँ पे इतना ध्यान देते नहीं यार, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत बैकवर्ड इलाका है ये। और दूसरी बात आती है यहाँ की मेडिकल सुविधा की, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है नज़दीक में। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बागमारा, और बागमारा जा नहीं पाते, उसके लिए चाहिए 4 से 5 घंटे क्योंकि रोड ही ऐसी हैं। तो फिर उसके अभाव में ये लोग जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये वाला पास वाला जो गांव है, यहाँ पे मेडिकल सुविधा अच्छी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ पे लेके चले जाते हैं। और तो और जो सर अपने साथ बैठे थे, प्रिंसिपल सर रात को, तो वो हैं एक्चुअली मुस्लिम, तो उनको नमाज पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे तो सभी लोग क्रिश्चियन हैं, तो भाई साहब वो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए बांग्लादेश। इतना आसान है यहाँ पे बॉर्डर टपना, और ज़िंदगी है यहाँ पे इतनी मुश्किल। हेलो साहब, कैसा हो? ठीक हो? हिंदी मालूम तुमको ना? आप मेरे को ये बताओ, जब आपके गांव में कोई औरत के बच्चा होने वाला होता तो उसको हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाता? वो हॉस्पिटल में लेके जाता, हम लोग लोकल से भी नहीं, कई बार लोकल से तो आप करते ही हो, कई बार इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ पे लेके जाता? हम लोग ये लेके जा रहा है, कहे कि हम लोग तुरा लेके जा रहा है, कहे कि हम लोग शिलांग लेके जा रहा है, रानी को लेके जा रहा है। और अगर इतना टाइम नहीं हो तो मैंने सुना बांग्लादेश भी लेके चले जाते हैं। हाँ, ये बांग्लादेश हम लोग के नजदीक में है, इसलिए हम लोग बांग्लादेश पे लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बीएसएफ वगैरह आपको अलाउ कर देता है, ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जाओ, कोई बात नहीं? ये कहे कि ये इमरजेंसी हो गया है, लेकिन इसलिए कह के आदमी को तो इलाज तो जैसे भी कोई बचाना है तो है, कैसे भी बचाओ ना। हाँ, कैसे भी बचाओ, चाहे बॉर्डर टप के जाओ चाहे ना। आपका जिंदगी बहुत मुश्किल है यहाँ पे ना। हाँ, और तो और छोटो मोबाइल का जियो एयरटेल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको सिम खरीदना पड़ेगा बांग्लादेश वाला ग्रामीण सिम, वो चलेगा ओनली ना। ओके ओके। और ये आपके बॉडीगार्ड भाई, 5 किलोमीटर चलने के बाद हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है क्योंकि सूरज साला चिलचिला रहा है। ये जो सामने की तरफ जितने भी प्लेन्स दिख रहे हैं और जो गाय वगैरह चल रही हैं, ये पूरा बांग्लादेश है। और मैं एक बार फिर से वापस फेंसिंग के अंदर की तरफ एंटर कर गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जितना भी रोड है, ये थोड़ा सा फेंसिंग की उस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा उस तरफ इस तरफ, क्योंकि अपने इंडिया वाली तरफ जो रास्ता है वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, पहाड़ हैं, तो वहाँ पे रास्ता बनाने का जगह नहीं था, तो यहाँ से बना दिया इन लोगों ने। कोई इशू नहीं है, वैसे भी शांति रहती है। वो जो सामने लाइट दिख रहा होगा पोल आपको, वो नाइट पेट्रोलिंग के लिए यूज़ में होता है। और ये वाले जंगल जितने शांत दिख रहे हैं, आज से सिर्फ 4 साल पहले तक यहाँ पे चप्पे चप्पे पे होते थे मिलिटेंट्स, जिनका डिमांड था कि उनको अपना स्पेशल गारो लैंड चाहिए, और उन्हीं के लिए कुछ अपने शहीद हुए जवान, दे केम फॉर पीस एंड लेफ्ट इन पीस इन मेमोरी ऑफ कैप्टन सुशील बिश्वा एंड कैप्टन पप्पू कुमार यादव वो लेट देयर लाइफ व्हाइल फाइटिंग मिलिटेंट्स। ये हालत थी मिलिटेंट्स की, किसी को उठा लेना, मर्डर कर देना, या फिर किडनैपिंग करके रंगदारी की मांग करना, ये काम होते थे उनके। मगर 2017-18 के आसपास जब कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर एनकाउंटर किया उन लोगों का, काफ़ी लोग एनकाउंटर से ख़त्म हो गए, कुछ लोगों ने फिर सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद मेरे को ये बात भी पता चली कि जो काफ़ी मिलिटेंट्स थे उनको पेंशन मिलता है गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका सौदा इस बात पे हुआ गया था कि सरेंडर तभी करेंगे जब हमें कोई दूसरा पैसा मिलेगा, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम पहले तो मिलिटेंसी से ही आता था ना। कहने को तो ये लोग मिलिटेंट्स थे कि हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, मगर इनके पीछे भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, सबको पता यार, मैं नहीं बोल रहा ये बात।
हेलो हेलो बगली 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 तो हम लोग जगह नहीं ना, पीछे पीछे भी सामान बहुत है। हम जैसे जैसे आ जाएगा, हम बहुत परेशान हो रखा है, गर्मी लगता। अच्छा, हम घूमता ट्रेवलर। अच्छा, कहाँ से? राजस्थान। कंफर्टेबल। सो हाउ कम ले अलोन यू केम हियर? आई ट्रैवल अलोन। यू आर वेरी मच डेयरिंग पर्सन। डेयरिंग? से इट अगेन इन द कैमरा। भाई साहब बोल रहे यू आर वेरी डेयरिंग पर्सन। Because see, uh-huh. the remote areas like this. Yeah, but this is a very remote area, na? Yeah, of course. ये जीप फोर व्हील ड्राइव है। आ ओल्ड मॉडल ना, आई नो। But we the remote areas like this, we enjoy to drive this. Ground clearance is high. Yes. Engine is powerful. Powerful, powerful, right? Yeah. Old is gold, na? Yeah. Old is gold, yeah. Yeah, you have to take the right thing. पहले ये ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, फिर 71 के बाद अलग हो गया ये। तब यहाँ का पीएम कौन बना था? शेख मुजीबुर। हाँ, शेख मुजीबुर। शेख हसीना तो अभी जो लड़की है वो है ना, वो ही है। अभी तो वो ही जीता है। हाँ, मैंने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा याद है कि वो हुआ था तब, वो लड़कियों को मारने वगैरह का ऐसे कुछ चला था, तब उन्होंने अपनी लड़कियों को विदेश में भेज दिया था पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ हुआ है वो, है ना? तो ऐसे रास्तों पे जब आगे से एक और गाड़ी आ जाती है तो बैक करना पड़ता है भैया, और साइड में खाई बस इतना सा जगह बसता है। भाई साहब ये जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं, ये मेरे से डबल ट्रिपल एज गए हैं भाई साहब, 52, ये 45, और देखने में सबसे बड़ा लग रहा हूँ मैं, है ना? दारी, बहुत दारी है, बहुत दारी है। All is well. थोड़ा सा बच गया भैया। चलो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? All is well. Okay, thank you sir. You are a great driver. Thank you. Bye bye. तो भाई लोगों ने अपने को ड्रॉप कर दिए बगली के अंदर, और यहाँ से देखते हैं कहाँ पे जाना है। बगली मार्केट वहाँ पे ऊपर पे होता? हाँ, ऊपर में नहीं, ये रोड है। अच्छा, ये रोड जाएगा? हाँ, ये रोड जाएगा। ओके, थैंक यू। ये सभी ट्रक उधर जाते हैं? क्या सप्लाई करते हैं? पेट्रोल, पत्थर। अच्छा, पत्थर भी बांग्लादेश में यहाँ से जाता है? हाँ। ये बांग्लादेश के पास पत्थर तो होंगे यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। हेलो, जो टोटल आपको पत्थर नीचे लगे हुए दिख रहे हैं, पास में ट्रक खड़े हैं छोटे छोटे, यहाँ पे कितना बड़ा लाइन लगा है ट्रकों का। बांग्लादेश में इतने पत्थर का क्या करते हैं? अच्छा, इंडिया से यहाँ पे डाल देते, फिर यहाँ से आके ट्रक देश में अलग अलग सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश के पास पत्थर नहीं है? नहीं है। बांग्लादेश के पास खाली मछली है और सब्जी है, हाँ, वो इंडिया में आता। और भाई साहब कैसा है? बांग्लादेश गया कभी? क्या है यार, डेली 5-4 बार जाता है। तो क्या चीज़ से जा रहे हो? पैदल 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 हाँ, या फिर कोई बीच में रास्ते में लिफ्ट मिल गया तो लिफ्ट ले लेता हूँ। राजस्थान के हो? हाँ। क्या नाम आपका है, कोई आईडी? हाँ, सब कुछ है मेरे पास, दिखा देता हूँ। आपका फोटो कौन सा? हमारा फोटो यही है, लेकिन हम बदल गए थोड़ा। ये हमारा 12th क्लास का है, 2017 का, जब हमारे दाढ़ी मूछ नहीं आया था। क्या नाम है? पुलकित। पुलकित, पुलकित।
उनकी खाली। हाँ हम सरनेम नहीं लगाते। पिता का नाम सत्यवीर सिंह। नहीं वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं पीछे जो महादेव था वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवा के आया। थैंक यू उमा शंकर जी। थैंक यू। हाँ हाँ आगे हम बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है ओके। तो ये बीएसएफ वाले भाई साहब थे जो कि मेरे को 3 दिन में पहली बार दिखे। मैं सोचा यार बीएसएफ वगैरह कोई पेट्रोलिंग करता है या ऐसे ही मजाक बना रखा है बॉर्डर का, लेकिन करता है चलो अच्छा है। तो अपने को अभी सामने की तरफ बीएसएफ का चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पे एंट्री करवाना पड़ेगा खुद का। तो अभी ये सामने की तरफ बना हुआ है बीएसएफ चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री करवाते हैं और कैमरा मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो कुछ और दोस्त आ गए अपने। ये गाड़ी कहाँ तक जा रहा है? चलो कितना किलोमीटर? कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलो अच्छा। ये नदी कौन सा है? ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ये पानी ऊपर रोड तक आ जाता है? यहाँ तक ओनली? हालत है भाई सड़कों की। आपको मजा आता है इन सड़कों पे? हाँ मजा आता। हाँ नहीं आता? गुई खाने में मजा आता। हाँ अच्छा, अगर मतलब आप गारो खासी लोगों के लिए भी सेफ नहीं है इस जीरो लाइन के अंदर चलना? हाँ, मेरा बात तो काफी अलग है फिर ना। फिर इससे आगे बीएसएफ चेक पोस्ट कितना आगे आएगा? चेक पोस्ट तो अभी जहां हम लोग जा रहे हैं इधर ही चेक पोस्ट है। अच्छा तो मैं वहां रुक जाऊं फिर ना? बोरसरा में रुक जाना। ठीक है रुकना रुकना। ये कौन सा गाँव होता? बोसोरा। तो मैं अभी आया हूँ भाई बोसोरा गाँव के पुलिस स्टेशन में। रुकने को तो बाहर भी टेंट लगा सकता था लेकिन बॉर्डर के ऊपर इतना सेफ नहीं है, जैसा कि भाई लोगों ने जो पिकअप में पीछे बैठे थे उन्होंने भी बताया था मेरे को। और फालतू में क्यों रिस्क लेना जब पुलिस स्टेशन है अपने पास। आप कभी रोटी नहीं खाता? रोटी नहीं खाता इधर बेटा। आपने लास्ट टाइम रोटी कब खाया था? रोटी तो क्या बोलेगा हम तो याद नहीं। ओके थैंक यू सर। और जो अभी जिनसे मैं बात कर रहा था वो है यहाँ पे स्टेशन में कॉन्स्टेबल, और वो थोड़ा मीट लेके आ रहे हैं अपने लिए। बोला मैं मेरे कमरे में मीट रखा है, मैं लेके आता, बिना मीट कैसे खाना खाता। ये किसका होता? ये तो पोक है। पोक है चलो इसमें डाल देता हूँ। आलू के साथ ना? हाँ हाँ डाल दो। आपका मीट के बिना खाना पूरा नहीं होता? कुछ ना कुछ चाहिए इनको, 2 बोटी मिल जाए लेकिन चलेगा ना। ओके ये रख दीजिए यहाँ पे मैं उठा लूँगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो अभी रात का टाइम हो रहा है 8:30 और हमने यहाँ पे टेंट लगाया था मगर टेंट वापस उखाड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है कि ओ साला सर भी फूट गया। मुसीबतें सारी एक साथ में आती हैं, वो भी मेरे साथ ही। हाँ तो इसकी वजह क्या थी कि पहले जो भाई साहब थे पुलिस में उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप टेंट लगा सकते हो यहाँ पे, मगर यहाँ पे दूसरे भाई साहब आए वो बोले आईडी वगैरह देखा मेरा उन्होंने, फिर आईडी चेक वगैरह करने के बाद व्हाट्सएप के मेरा फ़ोटो ऐसे करके सभी एंगलों से लिया। फिर बोलते हैं कि आप दूसरी जगह में जाके नहीं रुक सकते। और क्यों? बोला कि पुलिस स्टेशन में तो आप कैसे रुक सकते हो यार, यहाँ पे बॉर्डर है सामने की तरफ जो लाइट्स दिख रही हैं आपको ये बांग्लादेश के अंदर ही हैं। और जब आप पुलिस स्टेशन में आते हो एक टूरिस्ट कि मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए, तो पुलिस स्टेशन से ज़्यादा सेफ क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं तुरा के अंदर था वहाँ पे भी मेरे को पुलिस ने ये सजेस्ट किया कि जहाँ पे भी जाओ आप पुलिस स्टेशन के अंदर रुकना तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट सर बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कुल रात को चोरी हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कमाल यार ऐसे कौन पेश आता है। सर प्लीज़ एक बार आ तो जाइए ना। हा? एक बार कम है यार, एक बार यहाँ पे तो आ जाइए ना। नो सर प्लीज़ एक बार आइए तो सही ना। आपने मेरे को ये बोला या नहीं बोला इतना बता दीजिए कि यहाँ पे कुछ चोरी हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आपने बोला या नहीं बोला सर? आप धर्म का बेस मत कीजिए, आपका मर्जी जो भी चाहिए। हमारा मर्जी है ना। ओके
सर ये प्लेट है ये रख लीजिएगा अपना। मैंने बोला भाई मेरे साथ बाहर अगर कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, मतलब जिम्मेदार कौन होगा, आप खुद होंगे, सेफ्टी आपकी खुद की है, अब कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, बॉर्डर का इलाका है तो पहले BSF वालों के पास ही चलते हैं। भाई रास्ता देखो पूरा दलिया मचा हुआ है नीचे। ओ गया 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 अंगा इंडिया घुमको गुरायंगा। मैं पूरा इंडिया घूमता, कैसे घूमता ऐसे। हेलो ये BSF वालों का कैंप किस तरफ होगा? इस तरफ पे। अच्छा उस रूट पे है, इस तरफ से जाके ना। हाँ लेफ्ट मारना। अच्छा मैं गलत आ गया, इस पे नहीं है ना? नहीं, इस पे नहीं है। ओके थैंक यू। हम राजस्थान से। बाप रे बाप। अरे बाबा रे बाबा, इतना जंगल में राजस्थान से है। इधर में तो कुत्ता भी भुकता है, शेर भी भुकता है। सिर भोंकता थोड़ी धाड़ता है। देखो ये कुत्ता भी आपको काल पुरुष भुकेगा। नहीं भोंकता, ये नहीं भोंकता। ओए ओके ओके ब्रदर थैंक यू।